जो इसका एंड्रॉइड है अच्छा वो बहुत लैग करता है। ओके इसका म्यूजिक सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत लैग करता है, ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन। उसका वीडियो भी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दूंगा। हाँ। सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और भाई आज है हमारे सामने न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ठीक है, हमने इसकी डिलीवरी वीडियो बनाई थी, हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई जैसे हैं जिनकी ये कार है, तो जिस टाइम पे डिलीवरी बनाई थी उसको अराउंड 1 से 1.5 महीना हो गया है। और तो आज बात करेंगे ना भाई, जिनकी ये गाड़ी है, जो इनके ओनर हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के साथ। मैं पहले भी मिला था तो उन्होंने छोटे छोटे जो कमियाँ हैं इसमें, जो छोटे छोटे फॉल्ट्स आए थे ना, उनके बारे में बात करी थी। तो आज सारा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5,000 से अबव चल चुकी है। कीमत को क्या जस्टिफाई करती है, लुक्स वगैरह कैसे, परफॉर्मेंस है, इंजन वाइज कैसा है, रोड प्रेजेंस कैसा है, सारी बात करने वाले हैं आज इनमें। तो जितनी भी अब नेक्स्ट मूव होगी वो होगी इनके ओनर के साथ, सारी जितनी भी जेन्युइन चीज़ें हैं ना सारे आज क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं लेने का न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, या फिर जो लोग ले चुके हैं जिनकी डिलीवरीज वगैरह लगी हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं अपने बड़े भाई जैसे हमारे अमन भैया को। आ जाओ, ये है हमारे अमन भैया। और ये हमारे अनमोल भैया, दोनों ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ये लोग ओनर हैं कार के, महिंद्रा के। तो आज चलो सबसे पहले आप मुझे एक ना ओवरव्यू बता दो कि आपको कार एक वर्ड में बताना कैसी लगी। बवाल तो ऐसे में बवाल है। अच्छा, हमारी छोटी मोटी कमियां हर गाड़ियों में होती है, जो है वो भी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये गाड़ी ज्यादा रन करते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं बता पाया था। इन्होंने ऑलमोस्ट चलाई थी 4,000 किलोमीटर, तो मैंने चलाई थी 1,000 से 1,500 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यानी सबसे ज्यादा आपके हाथ में रहती है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले ना एक एक करके, एक एक मतलब कहते हैं ना, एक एक पार्ट करके बात करेंगे। जैसे लुक्स की पहले बात हो गई, फिर इंजन की बात करेंगे, फिर रोड प्रेजेंस की, ऐसे करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लुक है, इसके प्राइस आपको आपको ये पहले चलो ये बता दो कितने की पड़ी थी ऑन रोड। मुझे पड़ी थी ऑन रोड, पड़ी थी 28 लाख की पड़ी थी मुझे। 28 लाख की पड़ी थी। अब बताओ कि 28 लाख के मुकाबले क्या इसका जो लुक और डायमेंशन आपको अच्छे लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। चलो ठीक है, आप जब ये कार लेने वाले थे तो आपने कंपैरिजन किया होगा थोड़ा बहुत? हाँ, मैंने इनोवा क्रिस्टा देखी थी। अच्छा, और हैरियर देखी, सफारी देखी, लेकिन लुक इसका अलग ही है। इसको जब आप रोड पे निकलो, रोड प्रेजेंस इसकी अलग ही है। अच्छा, और भाई अब सबसे ज्यादा खुशी होती है जब इंट्रैप ग्लोबल इंट्रैप में 5-स्टार रेटिंग आता है। ये तो है, ये तो अपना इंडियन ब्रांड अगर असूल है, देश का पैसा देश में और पैसा। सही बात है, इंडियन ब्रांड अगर कुछ है और वो अगर इतना ज़्यादा अगर 5-स्टार सेफ्टी में लेके आ रहा है तो और क्या चाहिए है। बाहर बाहर के विदेशों की गाड़ियाँ जो 5-स्टार सेफ्टी में लाती हैं, और अगर अपने इंडिया ब्रांड ला रहा तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो एक ना मेरा पर्सनल सवाल है, छोटे जो बच्चों वाला सवाल होता है ना, एक मेरा वो सवाल है। तो मैं बड़ा सोच रहा था कि ये वाला सवाल ज़रूर पूछूंगा कि भाई कंपैरिजन इसका होता है डायरेक्ट डायमेंशन के अगर मुकाबले देखें तो फॉर्च्यूनर के साथ। ठीक है, सब कहते हैं भाई फॉर्च्यूनर से बड़ी है, बड़ी हालांकि है वो, बड़ी देखने में बड़ी लगती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप इसे रोड पे लेके चल रहे हो और कोई साइड में फॉर्च्यूनर ओनर ने या फॉर्च्यूनर लेके निकला, तो क्या उसने कभी इसको मुड़ के देखा एक बार? अच्छा, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल, कि फॉर्च्यूनर वाले ने ये पूछा है। अच्छा, पॉलिटिशियन थे, उनका पूरा कॉन्वे जा रहा था। अच्छा, और फॉर्च्यूनर का तो हम लोग की गाड़ी जा रही थी, उन्होंने रोका, साइड गाड़ी रखवाई, पूछा सब कुछ, और वो इतने ज्यादा वो से बोल रहे थे ये हमारे यहाँ तो अभी मिली नहीं है। एमपी में भी तक गाड़ियाँ उस टाइम नहीं आई थी। मैं ये आज से सिर्फ 1 महीने पहले की बात जब नई महाकालेश्वर गई थी तब। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ये किया, उन्होंने पूछा कहाँ मिल रही थी, उन्होंने फॉर्च्यूनर के बराबर में खड़ी करी, बोले यार इतने में 2 लेके इसको बढ़ा लो अपने उसमें। ये सीन था। अच्छा चलो, ये तो बहुत बड़ा। आप लोग हैं वैसे अपने भाई हैं, थोड़ा पर्सनल लेवल पे। ये IM सोशल बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऐप चल, वो कैंपेन चल रहा है, उसमें पुनीत पांडे हमारे भाई हैं, आप उनका ये कैंपेन है। आप उनके ये 6 चीज़ें अगर आप लाइक करते, फॉलो करते तो आपको क्या मिलेगा ये बताता हूँ। पहले तो आपको गिफ्ट वाउचर मिलेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे अप्रॉक्स पता लीजिए 1,000 से 2,000 तक के, अगर आप उसमें आते हैं शॉर्टलिस्ट में। दूसरा, जो 8 बंदा होगा उसको ट्रिप भी मिलेगी फॉरन की। अच्छा, हाँ, फॉरन ट्रिप भी मिलेगी आपको, जो स्टार है उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको कुछ नहीं, बस इनको यूट्यूब इंस्टाग्राम इन सब पे जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पेज खुलेगा, आपको उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। छोटी सी चीज़ें, और 1,000-1,500 का वाउचर तो हर बंदे को मिल रहा है। जो बंदा ये 6 चीज़ करेगा उसको 1,000-1,500 का वाउचर निश्चित ही मिलना है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। तो इसकी जो लिंक्स वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कर है ना, और बाकी जो लोग भाई इसे फॉलो करना चाहे फॉलो। 31 दिसंबर तक भी लास्ट। अच्छा, 31 दिसंबर तक लास्ट है, तो ये ऑफर है भाई थोड़ा पर्सनल लेवल पे, इसलिए हम लोग इसमें
में थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। अब आप ये बता दो कि आपका कौन सा वेरिएंट है, डीजल है पेट्रोल है, ये बता दो एक बार। ये जो मेरा गाड़ी का वेरिएंट है Z8L टॉप मॉडल है, 4x4 है, डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वाला है, ऑटोमेटिक यानी इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, अगर होता तो शायद वो भी ले अगर कुछ कम होती तो। चलो तो अब बात करते हैं भाई इसके एक बार परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये रफ एंड टफ है, आप कहीं भी कुदा दो, कहीं से भी निकाल दो, किसी भी जगह से कर दो, गाड़ी में 1% का भी लाइक नहीं। कभी ऐसा तो नहीं लगा कि जैसे थोड़ी सी अंडर पावर हो या ऑटोमेटिक में थोड़ा लगती है क्योंकि ऑटोमेटिक है, लैग करती है थोड़ा सा ना, है ना। अच्छा, लेकिन ऑटोमेटिक लेने का रीजन भी ये था कि सिटी में चलानी रहती है और ट्रैफिक वगैरह रहता है, इस चक्कर से ऑटोमेटिकली। तो आपका सिटी में ज्यादा ड्रिवन रहता है, सिटी में ज्यादा रहना है, हाईवे वगैरह में कम ही जाते हो आप। तो 2.2 लीटर का इतना तगड़ा इंजन है, गाड़ी इतनी तगड़ी है, एवरेज क्या निकाल के देती है ये बताओ। एवरेज तो वही है कि हाथी बाल रखा है तो एवरेज क्या ही देखना है, एवरेज अच्छा। कोई वो भी नहीं, इशू भी नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 10 तक दे देती है, अगर अगर उस पे जाओ हाईवे हाईवे पे जाओ तो 11-11.5 तक का निकाला है हम लोग। अगर अच्छा। ये 6 का भी देगी ना तो भी मैं सारा दिन ले मतलब इतना इतना प्यार हो गया गाड़ी से। चलो ये भी अच्छी बात है। तो इंजन वाइज की जो अच्छी बात बताओ, जब आप मतलब ऑटोमेटिक है तो जो एक होता है ना जब गियर चेंज करता है हाँ। तो क्या इंजन वो बताता है कि हाँ मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, तो पता चलता है, फील होता है कि गियर शिफ्टिंग हुई है, गियर शिफ्टिंग यानी पता चलती है इसमें। तो वो अनोइंग तो नहीं लगती, थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं करती, थोड़ा सा लगता है लेकिन अगर अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जब करता होगा जब म्यूजिक वगैरह शायद ना चल रहा है ना, जब कार एकदम साइलेंट है तब वो पता चलेगा, लेकिन अगर म्यूजिक वगैरह चला रखा तो उसमें कोई पता ही नहीं चलता उसमें। तो वैसे जितनी एक बेसिक बात है वो तो हम लोगों ने कर ली, अब बात कर लेते हैं इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में। तो अच्छाई आप बता देना और जो नेगेटिविटी लगे वो आप बता दो, पहले चुराए अच्छी चीज से कर लेते हैं ना। तो आप बताओ कि आपको इस कार में क्या क्या पसंद है। देखो पसंद में तो बहुत सारी चीजें, काउंट करेंगे तो शायद 10 से ज्यादा चीजें ही कमेंगे। ओके, इस रेट में 7 सीटर मिलना पहली बात, हाइट बहुत मस्त है, लुक वाइज चलो रोड पे तो आदमी मुझे देखता है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसमें लगती है सेफ्टी, 8 एयरबैग, अगर Z8 है तो 8 एयरबैग है, एल्वालम सही है बिल्कुल, तो अच्छाई बुराई सब कुछ सामने आ जाता है कि क्या कंफर्ट जोन में है, क्या डिस्कम्फर्ट करती है चीजें। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें आपको इसमें नेगेटिव जो है वो थोड़ा सा लगती है। सबसे बड़ा तो मुझे इसमें लगता है जैसे कि इसमें जो इसका एंड्रॉइड है अच्छा वो बहुत लैग करता है। ओके, इसका म्यूजिक सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत लैग करता है, ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन, उसका वीडियो भी मेरे पास पड़ा है मैं आपको दूंगा हाँ। कौन से मोड पे वो भी देख लो, गाड़ी पार्किंग मोड पे है और न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो N है, किलोमीटर देख लो भाई, किसी को अगर डाउट हो ना तो 5000 मैक्स टू मैक्स चलिए ये, ठीक है ये का देखो 5,181 किलोमीटर और ये सिचुएशन है अभी, ये पहले भी हो चुका है बट अभी मेरे सामने हुआ तो मुझे हाँ। कभी कभी एकदम, और इसमें सबसे बड़ी जो कमी है जिन्होंने जैसे 4x4 में कुछ जो दिया है उसमें कायदे जिनको लीवर देना चाहिए था। अच्छा जैसे थार वगैरह की बात करें, जैसे थार में क्या जैसे बच्चे बच्चे बैठते हैं एक तो या तो अगर वो दिया था इनको पार्किंग पे लगा के इंगेज होना चाहिए था, वो चलती चलती में हो जाता है, फोर लो फोर हाई सब इंगेज होता है, ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लगता है क्योंकि जैसे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं दबा दिया किसी ने फोन हाँ। लग गया वो लग गया तो पता नहीं चल पाता, ये तो अगर साइड वाली सीट पे बच्चे अच्छे बैठे तो घुमाते रहते हैं वो, और कुशनिंग नहीं अच्छी है सीट की, सीट्स की आप बात कर रहे हो कि जो सॉफ्ट, मैंने जो देखा एक मतलब कंफर्ट होना चाहिए उतना मुझे कंफर्ट लगा, थोड़ा सा स्टिफनेस है उस सीट में, मैंने ड्राइव करी, मैं हाईवे पे ले गया, मैंने कंटिन्यूअसली 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलाई लेकिन मुझे वो चीज नहीं सामने आई, थोड़ा मतलब सीट जो है थाई सपोर्ट अपोर्ट उतना अच्छा नहीं था। अच्छा मतलब सीट के मुकाबले में थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, ज्यादा नहीं वैसे थोड़ा बहुत शायद थोड़ा बहुत, और एक तो कैमरा है तो उसका क्या ही बोले, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो बिल्कुल ही बेकार है, उसके भरोसे तो आप गाड़ी ना पार्क करें तो ज्यादा ही सही है। अच्छा कैमरे से आपको ज्यादा शिकायत है, ज्यादा शिकायत है क्योंकि बहुत लैग करता है। आप उस दिन हम लोग जब थे तो शायद उसका जब आपने रिवर्स किया था तो ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन, है ना, वो बहुत दिक्कत देता है, ब्लैंक भी हो गई थी और एक कोने में आ जाता है वो छोटा सा। और भाई ये देखो ये फुल स्क्रीन आनी चाहिए थी बट ये देखो क्रॉप हो गई है, इतने सेक्शन में खाली दिखा रहा है कैमरा वगैरह की जितनी पोजीशनिंग वगैरह है, बड़ा करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे कोई बड़ा करने का या फिर इसको एक्सपेंड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ये लैग है प्रॉपर, ठीक है कुछ इस तरीके का देख रहे हो, डिस्प्ले वर्क नहीं करती इसकी। सबसे बड़ा इसका है जैसे अब सनरूफ है, आप वन टच करो कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं होता है। अच्छा कभी कभी मतलब वो भी रिस्पॉन्स नहीं करता जो आपका है। एलेक्सा हो गया, एलेक्सा भी वर्क नहीं करता है, खाली नाम का है।
मतलब, और आप ये मुझसे ये भी कह रहे थे कि जो भी Z4 वेरिएंट आया, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, Z4 में भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आ ही चुकी है। बताइए Z4 में जो Z4 है, पहले इन्होंने क्या किया, प्रीमियम सेगमेंट Z8L वालों, तो इन्होंने डिलीवरी शुरू करी, तो भाई एक बनता है कि कम से कम हमें ये कमी नहीं है कि आपने Z4 में दिया तो पहले हमें दे सके, वो नहीं। अगर आप उनको दे रहे हो तो आपके पास बन चुका होगा ना वो सॉफ्टवेयर, इसमें भी वो चीज कर सकते थे। आप उसमें नहीं दे रहे हो, उससे कम सेगमेंट में आप उसे। हाँ सही बात है, आप लोगों ने 28-30 लाख रुपए फूके हैं गाड़ी ले रहा है, तो सीधी सी बात है वो ये सोचेगा कि इसमें भी हमको पहले एंड्रॉइड के साथ एप्पल कारप्ले, क्योंकि आजकल एप्पल कारप्ले होना इतना कंपलसरी हो गया, आदमी एक बार एंड्रॉइड फोन फिर भी कम रखे लेकिन एप्पल का फोन, अब इसके लिए अगर आपको चलना है तो एक होना चाहिए। दूसरा चीज जो थोड़ी बहुत, वैसे तो मुझे अच्छाइयां इसकी बहुत सारी है, लेकिन अगर बात आ जाए नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो नेविगेशन वाला पॉइंट है वो मुझे बहुत मस्त लगता है, और बुराइयों की बात आ जाए तो एलेक्सा इसकी बहुत लैग करती है। अच्छा एलेक्सा, हाँ। दूसरा जो इन्होंने फोन से वो दे रखा है, वो दिया बहुत अच्छी चीज है, फोन से लॉक अनलॉक सब कुछ, एड्रेनॉक्स वगैरह जैसा वो उतना वर्क नहीं करता। अच्छा मतलब उतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं करता। अच्छाई तो इतनी बेहतरीन मजबूती बिल्ड क्वालिटी, ये चीज देख रहे हो कितनी हाँ। दूर है, अभी देखो हमारी गाड़ी पे देखो इम्पैक्ट हुआ था, हाँ, ये हल्की से टच हो गई, ये देखो ये अंदर घुस तक गया है, लेकिन ये इतना मजबूत है इसकी प्लास्टिक भी, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, बस यही रह गया, और ये नल था, सताई नल का जो कोना होता है वो लगा था, सोचो कुछ नहीं हुआ, इतने पीछे रेडिएटर दिया, अगर सपोज कुछ भी हो रोड पे एक्सप्रेस पे, कोई लड़ता है नील रहा है कुछ भी होता है, वो बहुत मजबूत होती है, लेकिन हमने एक बार लॉक किया, आवाज कर रही मतलब कुछ खुला हुआ है, अभी आदमी ध्यान नहीं देता, तो बस कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड इसको दबा के रखना है, और ये ऑटोमेटिक लॉक वाले बटन, आप ऑटोमेटिक सनरूफ बंद हुई, देन शीशे बंद होता है, मतलब सेफ्टी फीचर, अब देखो आवाज नहीं आ रही, अब लॉक करो नॉर्मल लाइट बंद, और सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी चीज इधर आना, इसकी जो लाइट है जब भी आप लॉक करोगे, जैसे मान लीजिए गाड़ी लॉक करी आपने, आए लॉक करी, उसके बाद इसकी जो लाइट है अभी दिन में नहीं सो, आप तो ये नहीं कि आपको अंधेरा हो जाए, आपको टॉर्च ऑन करने, वो खुद ही जब आप खुद ही 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद बंद हो जाती है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। चल अब मुझे आप ये बताओ कि जो इनकी लाइट्स हैं इनका थ्रो कैसा है रात के टाइम में? एक नंबर। अच्छा शुरू शुरू में नई गाड़ी ली थी तो शायद मेरे साथ ही नहीं, हर महिंद्रा जिसमें स्कॉर्पियो रेजो के साथ था, लाइट जो थी वो थोड़ा सा डाउन थी। अच्छा। उसमें कुछ नहीं था, हम भी कंपनी लेके गए, हल्का सा उन्होंने कुछ नेट पर काम था किया। अच्छा। पर उनके पास लिस्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं था प्रॉपर, अच्छा मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था ना वो, वो सब सब गाड़ियों में था, तो उन्होंने उनके पास चार्ट होता है वहाँ पे उन्होंने सेट किया, उसके बाद से आज दिन तक कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी की, लाइट के थ्रो की बात करी जाए तो लाइट का थ्रो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा नाइट में कोई दिक्कत कुछ नहीं, और फॉग लैंप्स वगैरह कैसे काम करते हैं? और सबसे अच्छा चीज इसकी, एक चीज और बताता हूँ जो मुझे अभी तक लगी है, और गाड़ियों में मैंने नहीं देखा है, मैंने अच्छाइयां बताने तो मैं अंदर इसके, जब पार्किंग से लाइट ऑन करो तो पार्किंग लाइट में मोस्टली दोनों इंडिकेटर जलते हैं, बट आप फोर्थ में चल रहे हो वैसे पार्किंग लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए फोर्थ पे, तो पार्किंग में करनी चाहिए, बट आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा इंडिया में ऑन करते हैं, ऑन करके चलते हैं, तो जब आपको इंडिकेटर देना है तो आप इंडिकेटर वाला साइड दबा दो, तो जिस साइड इंडिकेटर देना है सिर्फ वो जलेगी, दूसरी साइड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये सबसे अच्छी चीज है, ये नहीं कि और गाड़ी उतरे पहले पार्किंग हटाओ फिर उसको चालू करो, नहीं। अच्छा एक चीज और दिखाता हूं, महिंद्रा की अच्छाइयां हैं तो थोड़ी सी जो है अच्छाई है लेकिन कमी भी है, क्या बोलूं, आप ये देख रहे होंगे मेरी गाड़ी पे, ठीक है ठीक है, ये पार्किंग में डेंट आया था, अच्छा। हम लोग दतिया रहते थे वहाँ गाड़ी में डेंट आया था, महिंद्रा की अभी तक एसेसरीज प्रॉपर कंपनी वालों को नहीं मिली, हम लोग की पूरा पैसे वैसे सब कुछ जमा हो रहा था, वो बस जाओ भैया अभी ये आया ये लगा दे रहे बिल में काट दे रहे, तो वो एसेसरीज ना होने की वजह से डेंट आया, शायद अगर वो ब्लैक वाला एसेसरीज अगर लगी होती तो डेंट इतना इम्पैक्ट ना आता उस पर ही आता, तो ये डीलरशिप की गलती है ना फिर, तो ये अब इसको आप डीलरशिप को बोलते हैं तो बोलते हैं सर अभी पीछे से नहीं आया, अच्छा। जैसे हम अभी कैमरे वाला अपना लैब सही कराने रहते तो उन्होंने यही बोला था सर अभी प्रॉपर हम तो ही नहीं सही चीजें आप मेल डालिए, अच्छा। हमारे पास भी आएगा आपको गाड़ी एक दिन डेढ़ दिन नहीं तो बोल दो भाई हमने गाड़ी आपसे ली है महिंद्रा, हम क्यों करें आगे जाके आप करो, स्टीयरिंग नॉइज है, स्टीयरिंग नॉइज है, स्टीयरिंग वाइब्रेशन है, हां स्टीयरिंग वाइब्रेशन है और नॉइज भी है, मैंने कंपनी में दिखाया, अच्छा उन्होंने पूरा इसका क्या कहते हैं आप देख सकते हैं जॉब कार्ड है हमारे पास हम दिखा सकते हैं, उन्होंने ये पूरा सब खोल दिया, अच्छा तीन बार बे पे चढ़ा के देख लिया, उनको कुछ नहीं समझ में आया, उन्होंने कहा इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, अच्छा मैक्सिमम 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये सब खोल के उन्होंने चेक कर लिया, वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और इंक्रीज दी थी उस साइड से हमारी निकलने लगी, जेनुइन एक्सेसरीज है ना ये सारी सारी, निकलने लग गई थी अपने आप, अच्छा उस साइड से मैं होता तो मैं आपको दिखाता, जैसे आप देखो साइड मिरर में निकलने लगी यहाँ से आपको, हाँ ये चीज जो है गैप है ना इसमें,
ये देखो, आओ आओ दिख रही है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। और पेंट की क्वालिटी भी उतनी खास नहीं है, पेंट क्वालिटी आपको ठीक नहीं लगी। ये देखिए निकली हुई है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, तब तक आदमी ऐसा ऐसा करता रहता है। सही बात है, चाइना के लिए डबल साइड टेप का है, लेकिन ये जब आपके ओरिजिनल जेन्युइन सीरीज में ये हाल है, तो अगर हम बाहर से चीजें हम लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि अब ये है कि अपना इंडियन ब्रांड। हाँ बिल्कुल, टाइम लगेगा और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो हर दूसरे दिन जाके वहाँ खड़े रहे। हमारी सेम हमें इतना ज्यादा अच्छी लगी कि हमने सेम अपनी एक और मंगाई आ रही है बहुत जल्दी, क्या पता आपके चैनल पे उसका रिव्यू भी हो। जी ब्लैक ही है, आप बता रहे थे मुझे। हाँ आप बता रहे थे, लोग कहेंगे कि नेगेटिव भी बता रहे हैं। नहीं नेगेटिव क्या भाई, देखो जो चीज है जेन्युइन चीज है, वो मैं बता रहा हूँ। कोई गाड़ी ले रहा है और क्या, वो सारी चीजें वीडियो में देख ले कि ये होता है, तो भाई ऐसी प्रॉब्लम्स भी आगे चल के आ सकती है, या कुछ चीजें हैं वो स्टार्टिंग में ही रिजॉल्व हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ने डिलीवरी ली, हम लोगों को पता नहीं था, धीमे धीमे चीजें पता चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कमी है वो कमी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया और ये कमी मिल रही, तो थोड़ा सा सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलना चाहूंगा दो मिनट लिए मैं बात नहीं काटूंगा। देखो लोग बोले नहीं थी इन्होंने बुराइयां बताई, फिर भी दो दो गाड़ी ले रहे, क्योंकि भैया देखो जो फॉर्च्यूनर में हम एक में मजा लेंगे वो हमारे दो में लेंगे। सही बात, बिल्ड क्वालिटी हमारी सब कुछ अच्छी है, लेकिन महिंद्रा से हमें थोड़ी सी दिक्कत ये है, हमने दूसरी गाड़ी भी ये भी ली, अब हम दोनों गाड़ियां रोड पे चलते लेते हैं, तो साथ में हमारा जेट फोर वाला ही चल रहा है बाइक। हाँ। तो दूर से अगर गाड़ी कोई पीछे से देखेगा, अगर उसकी 4x2 जैसे मेरी वाली है, वो 4x2 है। हाँ, हाँ, हाँ। और ये हमारी 4x4 एक्सप्लोर, तो आदमी अगर एक्सप्लोर के साथ इन्होंने अगर बेजिंग कर दी होती यहाँ पे, जैसे की Z8 L के जी यहाँ पे L लगा देते, L लिख देते, जिन्होंने जैसे इन्होंने 700 में किया हुआ है, कोई भी बेजिंग कर देती थी Z8, मतलब शो होती कि लगता है ना यार Z4 जो आदमी लेके चल रहा है 16-18 लाख रुपए में, और हम मतलब 28 लाख में लेके चल रहे हैं, तो थोड़ी सी चीजें ये होती है ना कि 4 Explorer अगर नहीं लेता है ये हटा दे, और 4x2 और लेके चले और Z4 भी लेके चले, कोई बता नहीं पाता क्या चीज़। तो मतलब सीधे सीधा एक्सेसरी लाइन की जैसे इनकी आती है XUV 700, लिखा रहता है ना X7L वगैरह करके। हाँ 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 हाँ। अच्छा इसमें आपको ये सवाल है कि जो आदमी अगर 15-18 लाख वाली ले रहा है और जो आदमी 28 लाख खर्च कर रहा है, तो दोनों में पीछे से कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बोला ना मैंने दूसरी गाड़ी सेम ली Z8। हाँ Z8 आपने ली, वो 4x2 है, उसमें बस ये नहीं होगा सेम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Z8L है। अब Z4 मान लो मेरा कोई फ्रेंड लेके आता है, उसकी भी सब कुछ सेम है, पीछे से अगर थोड़ा कर दूं तो आप बता पाओगे, क्योंकि वाइपर उन्होंने उसमें भी दिया है, सही बात, मेन वॉशर भी दिया है, तो आप बता नहीं पाओगे। एक चीज अच्छी दी है, अब जैसे आपको फ्यूल भरवाना है, ठीक है, अब आपको अंदर से कोई फिजिकली कुछ नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल, यू करा और आपका खुल गया। ये चीज जो ये वाली आप बात बता रहे हैं, ये मैं अपनी हर वीडियो, मेरे कोई भी वीडियो उठा लेगा ना, तो मैं ये बात हर किसी में बोलता हूँ कि ये फीचर हर कार में होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने यूरिया वाला साथ में ऑप्शन दिया है, वाला हाँ। आप क्लासिक इनकी आ रही है वो उस तरफ है, उस तरफ है, सही बात, और अंदर वो दे रखा है फिजिकली। हाँ आप आए करा, और अगर प्राइसिंग की बात करें तो वो भी 17-17.5 की, और ये भी Z4 उठा रहे क्योंकि अगर ऑटोमेटिक डीजल में तो वो भी सेम रेंज में है। तो यही तो होगा, जो भाई मेरा क्लासिक ले रहा है वो एक बार इसको ट्राई कर ले, ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल 100% आएगा। वाइपर दे रखा है, ये प्रॉपर नहीं है, अरे पूरा क्लीन नहीं करता, मतलब है दूसरी बात है AC। AC हमारा 8 पॉइंट पे हमने चलाया, जो बंदा इस रो में बैठे था सीधे AC पड़ती, वो बंदा ठंडा जाएगा, ठीक है, ठंडाने बाद वो जीरो पे करेगा, पीछे वाला मर जाएगा, पीछे AC जाती है, पीछे मतलब AC वेंट भी नहीं है और पीछे AC का फ्लो भी नहीं जाता। कम से कम इन्हें जैसे इन्होंने यहाँ दिया था, भले थोड़ा बहुत करके पीछे फ्लो दे देते, भले जैसे इनोवा में होता है ऊपर से अप डाउन बंद करने वाला, अगर वो अप डाउन ऊपर से बंद करने वाला भी दे देते तो वो बढ़िया चीज थी, यहाँ की अपेक्षा अगर यहाँ भी दे देते, मतलब यहाँ पे आपको पीछे की जो AC वेंट्स की कमी है वो खलती है थोड़ी सी। आप यहाँ बैठो जी, ठीक है, आप यहाँ बैठो, आप एक नंबर पे AC चालू करो, गाड़ी 5 किलोमीटर चली, उसके बाद आपको ठंड लगेगी, आप जीरो पे करोगे, पीछे वाला बेचारा तो वहाँ पे तो कूलिंग, वहाँ तक सही बात कूलिंग पहुंची नहीं है। ये चीज AC बहुत अच्छा है, तभी बोल रहा हूँ अंधे वाला बंद कर दे, लेकिन पीछे दे देना चाहिए थोड़ा सा। चलो ठीक है, अब ये बताओ स्पेस वाइज कैसी इंटीरियर से, एक नंबर, पीछे 3 लोग कंफर्टेबली 101%, मेरे हाइट का मैं बैठा हूँ और मेरे साथ के दोस्त बैठे, इवन पता है मुझसे तो थोड़ा सा लंबा आदमी भी है, थर्ड रो की बात कर रहा हूँ, थर्ड रो की बात, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मेरे से लंबा आदमी, आराम से बैठे ना तो भी आराम से बैठे, 3 लोग बैठ जाएंगे कि 2 लोग, ही बताओ, 3 लोग बैठ जाते हैं, आपको मैं अभी प्रैक्टिकली बैठाते दिखा देता हूँ, अभी मैं बुलाता हूँ, तो चलो बैठाते हैं एक बार, है ना, चलो बैठा दिखा देता हूँ, सीट हो गई एडजस्ट, सीट इसको कर दे बंद, घुटने में जैसे कोई बंदा, अब देखो यहाँ पे, अब कोई पीछे बैठा है
और उसको सीट टंबल करनी है, उसको हटना है, तो वो आगे वाले का वेट ना करे कि वो उतरेगा फिर वो करेगा मैनुअली अपने पास अपना। तो जब ये हटेगा तभी तो करेगा ना, उतरना तो पड़ेगा उसको। चलो तो ये अभी नॉर्मली इसका डिस्टेंस जो है वो है मेरे ख्याल से, पीछे आप बताओ मुझे कैसा स्पेस है। जबकि मैं इस साइड बैठा हूं, टच हो रहे हैं आप लोग? नहीं मेरे में तो हाँ, आप बताओ भाई बीच वाले भाई। भाई मेरे ना टच हो, ये देखो ये हम दोनों से लंबे हैं। हाँ, तब देखो इनका ये सीन थोड़ा बहुत गैप है, इनफ है इनके लिए। अब ये बताओ इस पोजीशन बैठ के कितनी देर ट्रैवल कर सकते हो? महाकाल में होके आया हूँ पूरा इसी। अच्छा थर्ड रूम में? सात सौ किलोमीटर थर्ड रूम में बैठ के गए आराम से? हाँ लेट के बैठ के। तीन लोग गए थे कि दो लोग? नहीं मैं अकेले ही था इसमें तो। तो अकेले गए थे तो अकेले चले जाए, इसमें सामान भी था ना। अच्छा एक साइड पूरा सामान यहाँ मैनेज करना पड़ता है सामान। हाँ ये तो है। अगर ये वो वाली सीटें दे देते हैं कि जैसे कि इन्होंने नॉर्मली उसमें दी हुई है, क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो में दी हुई है साइड फेसिंग या फिर इसमें दे देते कि एक साइड की सीट फोल्ड कर दीजिए, स्पेस बन जाएगा, बाकी एक आदमी बैठ जाए, वो बहुत अच्छा रहता है। ये भी ठीक है। चलो तो पीछे के स्पेस पास है, मतलब एसी के लिए फेल है। ये जो ग्रैब है ना ये एसयूवी वाला लुक देता है काम में। फॉर्च्यूनर वगैरह में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, थार में मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज होती है ट्रिपिंग के लिए और बैठने के लिए, एक लगता है हाँ किसी चीज में बैठ, किसी ऊंची गाड़ी में एसयूवी में बैठ रहा हूँ, ये बात सही। चलो तो अब ये बताओ टॉप स्पीड कितनी बगा रखी है? वो चालान है हमारे ओनर साहब, लगभग 140-150 ये मेरी नजर में, बाकी चोरी छुपे कितना देता है वो इनसे। अब ये बताओ टॉप स्पीड कितनी बगा रखी? मैंने टॉप स्पीड इसको बगाया है 140-150 बस, उससे भी नहीं है। अरे इतनी तो इसके ऊपर मुझे सच बताऊं 110 के बाद मुझे फील होने लगता है कि ये अच्छा क्या थोड़ा सा बबल करती है क्या? हां वो तो है, विंड ब्लास्ट होने लगता है और पता चलने लगता है कि गाड़ी हल्का सा। तो मतलब क्या कह रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डोल जाता है? हाँ कॉन्फिडेंस तो डोल जाता है 150 के ऊपर, 110 के ऊपर। अच्छा 110 150 इसलिए भगाई बस ट्राई कर रहा है। अरे हाँ वो तो थोड़ा सा मान लो हाईवे बाद में जाता तो खींच देता और भी इसके आगे थोड़ा ट्राई करेंगे सर्विस हो जाए। अब ये बताओ चारों डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग एक नंबर है। अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑप्टिकल सामने आ जाए आप ब्रेक मारो आपको तो लाइव डेमो में दे दूं। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं। मैंने 100 की स्पीड में मेरे सामने एक गाय आ गई थी और रोड खैर खाली था, एक इधर क्या कहते हैं टेम्पो खड़ा हुआ था और मैं आ रहा था, मुझे गाय दिखी मुझसे मिनिमम 200 मीटर दूर होगी और मैं 100 पे था, 100 अबव ही था। मैंने कंटिन्यूसली 2 बार ब्रेक मारी। अरे वाह, यानी ब्रेकिंग में क्योंकि चारों डिस्क, हाँ चारों डिस्क ब्रेक और हैवी कार हैवी भी अगर ड्रम्प दे रखी होती तो शायद एक बार रिस्पांस उतना अच्छा। हाँ हाँ क्योंकि भारी गाड़ी में तो मोमेंटम भी वो होता है ना फिर, वो तो उसके लिए तो डिस्क ब्रेक तो बनता है। अच्छा हाँ ABS है तो बहुत ही मुश्किल से, हाँ ABS ऑन ऑफ ऑन करके रखेंगे तो बहुत कंट्रोल हर समय ऑन ही रहता है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये एक चीज और, तो अभी जब आपने ना ये ऑन जब ये फोल्ड अनफोल्ड होती है साउंड थोड़ी सी ना कुछ ज्यादा गर्म है, यहाँ खड़ा तो मेरे को लगा कि साउंड तो थोड़ा सा लगता है कि साउंड इतना नहीं करना चाहिए। मोटर वोटर में थोड़ा मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, हो सकता है रेसिंग की वजह से होती है, साउंड तो थोड़ा है साउंड करता है ना, क्योंकि मैं अभी यहाँ खड़ा था जैसे आपने बंद किया तो मुझे लगा कि यार काफी ज्यादा ही साउंड है। मतलब ये तो चलो बाहर के बाद अंदर क्या ही पता चल रहा है, लेकिन एक बात थी जो बतानी थी वो भी ठीक है। चलो तो भाई देखो जैसे स्कॉर्पियो है 4x4 बनाई गई, तो 4x4 चीजें यानी ऑफ रोडिंग के लिए कैपेबल होती है थोड़ी थोड़ी। ऑफ रोडिंग के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है कार में, जो की होती है ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसकी कैसी लगती है बताओ? इनफ है? कहीं आज तक कभी नीचे स्ट्रच हुई है? कभी नहीं, यही से पार करता है। इवन मैं आपको बताऊं ये आप देख रहे हो ये जो चीज है यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, मैं आपको समझा देता हूँ, और टच भी नहीं होती भाई। अच्छा। है इसलिए भी थोड़ा ये अराउंड होगा मेरे ख्याल से 1 फुट शायद है, 10 इंच के करीब तो है ही है, लेकिन तरीके से निकाल, हाँ मतलब टेढ़ी करके थोड़ी अभी नहीं, आपके लिए एकदम कर दी सही बात। तो मतलब अच्छा ऑफ रोडिंग ये बताओ 4x4, हाँ ये चीज़ तो हम डिस्कस करना भूल गए थे कि 4x4 है, आपने इतना पैसा फूका हुआ है तो ये बताओ 4x4 कितना केपेबल है? 4x4 तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने स्ट्रीम ऑफ रोड किया। अच्छा जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप अगर ऑफ रोड कर रहे हो, रिसेंटली अभी मैं गाँव गया हुआ था, पिछले हफ्ते में अभी गाँव गया हुआ था, तो हाईवे वगैरह बन रहा है तो उसके साइड में जहाँ से डंपर वगैरह मट्टी लेके जाते हैं तो रास्ता उधर से बंद हुआ था, तो मैं उससे जा रहा था और वो पूरा गीला था, दलदल मिट्टी जिसको आप कहते हैं, जो अपने आप जंपिंग धंसी जाती थोड़ी थोड़ी, और हम लोग इसमें करीब 6-7 लोग बैठे हुए थे, पूरी भरी थी मतलब पूरी गाड़ी भरी हुई, तो पीछे तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास में गेहूं भी पड़ा, वाह क्योंकि हम लोग लेके जा रहे थे, तो हम लोग
हम गाड़ी में ही ड्राइव कर रहा था, ठीक है, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसको 4 हाई या 4 लो पे लगाऊं, बस मोमेंटम बना के आराम से मैंने निकाला। हां मैं थोड़ा सा रेस देके आओ, स्पिन नहीं होने दिया मैंने। हां ये व्हील स्पिन होता है तो उसमें फिर तो पूरा ग्रिप करेगा ही नहीं, अगर स्पिन हो गया तो नहीं बनेगा। जब तक ट्रैक्शन मिल रहा है आराम से निकाली, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तब तक 4x4 वगैरह खुद ही उसमें पावर है। ये बात तो सही है, रियर व्हील ड्राइव है। हां रियर व्हील ड्राइव, ऊपर से आपके तो 4x4 है तो आगे के भी घूमते हैं, तो 30% आगे के हैं, 60% पीछे की पावर, उसमें 70% मिल रही है। चलो तो भाई सारी जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जितनी एक ओनर ऑब्जर्व कर सकते थे वो आपने इस वीडियो के माध्यम से बता दी। जो लोग लेने वाले हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो उनको एक तरीके का थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया कि हाँ ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं और जो भी मेजर चीज़ें हैं या फिर माइनर चीज़ें हैं जो हो सकती हैं आने वाली उनकी डिलीवरी कार्स में, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा उनको, तो बाकी एकदम हैरान नहीं होंगे ये चीज़ें यार कैसे हो गई। तो इसमें मेजर तो कुछ है नहीं, माइनर माइनर सी चीज़ें जिनको फिक्स किया जा सकता है ना, ये सारी चीजें। तो आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उससे पहले एक लास्ट सवाल कि क्या आप अभी भी किसी और को रिकमेंड करोगे 30 लाख से के बजट में ये कार? बिल्कुल करूंगा, 100%। तभी तो मैंने दूसरी ली है। हाँ ये भी है, कमियां देखो हर इंसान में कमी होती है, तो वाहन है बिल्कुल, थोड़ी बहुत कमी होती है। गाड़ी अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा 28 लाख के बजट में, बेस्ट गाड़ी है। सबसे बड़ी बात है आप किसी भी गली से कहीं से भी निकल जाए तो एक बार आदमी मुड़ कर देखता है, रोड प्रेजेंस वगैरह बहुत अच्छी, चाहे वो फॉर्च्यूनर में बैठा हो, चाहे वो ऑडी में बैठा हो, चाहे BMW, हाइट वगैरह गाड़ी कौन सी, हाइट वगैरह सब आपको एक नंबर मिलती है, एक नंबर इस बजट में बहुत बढ़िया गाड़ी है, 5-star rating और सेफ्टी मिल रही है सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे प्रायोरिटी है जो 8 एयरबैग है, सही बात, 5-star rating सेफ्टी है, और क्या लोगे भाई, सही बात है। इसका जब डोर आप क्लोज करो या ओपन करो ना तो फील होता है, हां जो थर्ड साउंड आता है, बंदे बोलते हैं ना कि भाई इनोवा ले लिया एक लाख, हमारे पास भी इनोवा ओन करते हैं, मानता हूँ इनोवा का इंजन रिलायबल होता है, बिल्कुल आजकल का वो टाइम आ गया आदमी 1 लाख किलोमीटर चलाता ही नहीं है, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, 1-1.5 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी बात ही हो जाती है, ट्रैवलिंग में तो चल नहीं रही है, हॉर्न वगैरह कैसे, ठीक है बिल्कुल, 8 नंबर। चलो तो भाई थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बोलूंगा जो भी भाई ले रहा है गाड़ी ले, मैं बोल रहा हूँ अपने व्यापार पे संतुष्ट होगा, और चलो हर बार मैं बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस बार आप दोनों लोग बोल दो, संतोष भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, और इतना ही बोलूंगा ये बंदे जितने बिहाइंड कैमरा आपको दिख रहे हैं ना उतने ही मस्त कैमरा भी है, बिहाइंड कैमरा भी है, इतने मौजियल बंदे क्या ही बोलना। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, चलो आप दोनों लोग भाइयों ने भी बोले तो अब जरूर कर लेना, ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।